हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम बात करने वाले, देखिए डेली हम चार पांच ऐसे स्टॉक्स आपके लिए लेके आते हैं जो में ग्रेट पोटेंशियल नजर आता है, जो कि शेयर आपको अच्छे खासे अच्छे रिटर्न दे भी चुके हैं और आगे और देने की उम्मीद रखते हैं। तो ऐसे ही चार स्टॉक्स से रिलेटेड बातें करेंगे और जानेंगे उनसे रिलेटेड। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पर सिखाया जाता है, तो सीखने के लिए यहाँ पर काफी सारी वीडियोज हमने बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, तो सीखिए। और हम किसी भी तरीके का पैसा आपसे नहीं मांगते, ना ही आपको किसी यहाँ पर ज्वाइन करे ये करे ऐसा कुछ नहीं है। केवल यहाँ पर सिखाया जाता है, सीखने के लिए यहाँ पर बहुत सारी वीडियो है, देखिए। और आज की डेट में एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, यहाँ पर ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है, इसे देख लीजिए। आपको क्या पैसा लेना है वो आप खुद करिएगा, बट यहाँ पर अच्छा खासा ये स्टॉक नजर आ रहा है, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उन चार स्टॉक से रिलेटेड बातें करते हैं जिनमें ग्रेट पोटेंशियल नजर आ रहा है। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट नहीं है, क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन कराए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और जाके वीडियोस को देखिए। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर करिए दूसरे लोगों के साथ। तो आइए एक एक करके, तो देखिए चार ऐसी कंपनी से रिलेटेड बातें करेंगे जो कि ऑलरेडी यहाँ पर भाग चुकी है, बट यहाँ पर जो भाग चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि और नहीं भागेगी। तो चार स्टॉक से में अगर हम पहले सबसे पहले बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है नाम लक्ष्मी ऑर्गेनिक का। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें तो देखिए न्यू लिस्टिंग ये कंपनी है, ओके। और 160-170 रुपीज के आसपास यहाँ पर शेयर आता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद बहुत टाइम तक वहां कंसोलिडेट किया, बहुत टाइम तक 222 पे कंसोलिडेट किया, 222 पे हमने यहाँ पर स्टॉक को पिक किया और आज की डेट में 322 तक जाता हुआ दिखाई दिया। तो 45% के रिटर्न हमें यहाँ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं विद इन अ पीरियड ऑफ अ मंथ और 2 मंथ्स कह सकते हैं। केमिकल की बेहतरीन कंपनी है और यहाँ पर मार्केट कैपिटल देखिए तो स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पर आरओसी बेहतरीन है, 20 का आरओसी है। डेट की बात करें 14% का ही डेट है, ज्यादा डेट भी नहीं है कंपनी के पास। तो कंपनी हर पैरामीटर से यहाँ पर नजर अच्छी आ रही है। इसके अलावा बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पर देखिए सेल्स यहाँ पर 387, 404, 436, 520, 736, मतलब कंसिस्टेंट यहाँ पर सेल्स बढ़ रही है, कंसिस्टेंट यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंसिस्टेंट यहाँ पर नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और अगर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की ईयरली बेसिस पे, तो यहाँ पर भी वो देख सकते हैं ईयरली बेसिस पे ये चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है। 1047 करोड़ की सेल्स, 1768 करोड़ की सेल्स में तो 5 साल के अंदर अंदर हो गया। तो कंपनी ने अपने आप को प्रूव करके दिखा रही है, मैनेजमेंट अच्छा है, ये सब चीज बताती है कि मैनेजमेंट किस तरीके से यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। 27 करोड़ का प्रॉफिट 127 करोड़ में तब्दील हो गया है। तो ये सब चीज आपको देखनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि बेहतरीन कंपनी है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें रिजर्व्स की, 982 करोड़ का रिजर्व है, जो कभी 225 करोड़ का था। बोरिंग की बात करें, बोरिंग 141 करोड़ की यहाँ पर रह गई है, यहाँ पर बोरिंग कंटिन्यूटी के साथ यहाँ पर कम करते जा रहे हैं। फिक्स एसेट देखिए 215 करोड़ की 325 करोड़ की हो गई है। तो ये चीज बताती है कि कंपनी यहाँ पर ग्रोइंग मैनर में है। और वर्किंग प्रोग्रेस में 148 रुपए, जब 148 करोड़ रुपए सॉरी जब 148 करोड़ रुपए यहाँ पर फिक्स एसेट में ऐड होते हुए दिखाई देंगे 325 में, तो यहाँ पर जो ये सारे फिगर है ना ऑटोमेटिकली चेंज होते हुए दिखाई देंगे, इस बात को याद रखिएगा। पॉजिटिव कैश फ्लो ऑपरेट, यहाँ पर बात करें प्रोमोटर्स FIDIs अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके चार्ट पैटर्न की, देखिए ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर ये शेयर चल रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये शेयर या थोड़ा सा ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग 300 रुपए तक आने आता हुआ दिख सकता है, मुझे दिख रहा है। और यहाँ पर 300 रुपए के आसपास ये आता हुआ दिखता है, तो यहाँ पर इस शेयर को पिक कर लीजिएगा, बिल्कुल भी यहाँ पर वेट मत करिएगा, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिएगा। तो अगले क्वार्टर के जब इसके रिजल्ट आएंगे तब तक 350 और रिजल्ट अच्छे आ गए तो यहाँ पर 400-450 रुपए तक ये शेयर जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपका पैसा यहाँ पर 50% तो ये हो गया, और फिर और अच्छे रिजल्ट दिखा देता है तो दिसंबर तक या जनवरी तक ये शायद आपको पैसे को डबल करता हुआ दिखाई दे। तो यहाँ पर न्यू लिस्ट है, न्यू लिस्टिंग के बाद भी 155 का स्टॉक यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पैसे को ऑलरेडी डबल कर चुका है। इसके अलावा और इससे रिलेटेड एक वीडियो हमने बनाई थी यहाँ पर यूट्यूब पर, पहली बार यहाँ पर देखेंगे तो आप थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर देखिए YouTube चैनल पर पहली बार, तो IPO मिले या ना मिले आपको पैसा मिलता हुआ दिखाई देगा, पैसा आपका बनता हुआ दिखाई देगा, डबल होता हुआ दिखाई देगा, तो उसका एक एग्जाम्पल भी है। तो यहाँ पर आप उस वीडियो को लिंक दे दूंगा ऊपर, तो जाके देख लीजिएगा। इसके अलावा एक और कंपनी है
ओके, जो कि मुझे बेहतरीन नजर आती है। यहाँ पर अगर बात करें क्लीन साइंस की, मार्केट कैप की बात करें 16,733 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी है ये भी। आरओसी की बात करें तो यहाँ पर देखिए 60% के आसपास यहाँ पर आरओसी है, जो कि बेहतरीन है। डेट फ्री कंपनी है, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर अच्छा खासा नजर आ रहा है इस कंपनी से रिलेटेड। और न्यू लिस्टिंग कंपनी है, न्यू लिस्टिंग कंपनी है, और स्टिल न्यू लिस्टिंग के बाद भी यहाँ पर अगर बात करें इसके रिजल्ट की यहाँ पर, तो पिछले अगर बात करते हैं जून 2020, मार्च 2021 और पिछले यहाँ पर देखते हैं एक साल के अंदर अंदर 113 करोड़, 134 करोड़, 146 करोड़, हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स और हाईएस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया है। इसके अलावा ईयरली बेसिस पर बात करें तो पिछले 5 साल में 140 करोड़ रुपए की सेल्स, 512 करोड़ की सेल्स, 5 गुना कंपनी होती हुई नजर आ रही है। तो 15×75 5 गुना तो नहीं, लगभग 4 गुना, 3.5 गुना यहाँ पर कंपनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऑपरेटिव प्रॉफिट भी देखिए ये भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें 27 करोड़ का प्रॉफिट, 198 करोड़। तो यहाँ पर तो जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक दिख रहा था ना 27 करोड़ का, 127 करोड़, तो इससे ज्यादा बड़ी कंपनी नजर आ रही है। और यहाँ पर अगर बात करें, शेयर अभी चला नहीं है, चलना शुरू करेगा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक को हम बात करें तो कितना टाइम हो गया, ये कंपनी यहाँ पर लिस्ट 25 मार्च को आती हुई दिखाई दी थी। तो लगभग लगभग अभी ये हमारा अगस्त चल रहा है, तो लगभग 5 महीने हो गए। और जैसे कि हमने वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जो वीडियो हमने बनाई थी कि 6 महीने के अंदर अंदर शेयर चलना शुरू कर देता है, इसने भी देखिए यहाँ पर अगर बात करें इतना कंसोलिडेशन किया है। तो कितना कंसोलिडेशन किया है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 172 रुपए पे 26 मार्च से लेके अप्रैल तक, मतलब 1 महीने इसने कंसोलिडेट किया है। और क्लीन साइंस की अगर बात करें तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न भी, देखिए बेहतरीन है। यहाँ पर ओएफएस भी आना है बीच में, कभी भी यहाँ पर ओएफएस आएगा, बट ओएफएस से पहले शेयर भागेगा। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें 3 साल का टाइम है, 3 साल अभी बड़े बड़े होते हैं, बट यहाँ पर अगर देखें कंपनी को आए हुए कितना टाइम हुआ है, 19 जुलाई से अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, और ये शेयर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भागने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे। क्योंकि यहाँ पर जिस दिन हमने बताया था उस दिन 1,435 रुपए के नीचे चल रहा था, उसके बाद भागता हुआ दिखाई दिया। तो थोड़ा समझने की जरूरत है, शेयर आपको अच्छा खासा यहाँ पर गेन देता हुआ दिखाई दे सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए शेयर की तरफ, ये शेयर को अपनी नजर में रखिए, और ये कभी भी यहाँ पर से अपनी जर्नी दोबारा से शुरू कर सकता है, क्योंकि अच्छा खासा नजर आ रहा है शेयर। इसके अलावा चौथा शेयर की हम बात करेंगे तो सॉरी थर्ड शेयर की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जुबिलेंट इंग्रीविया की, 400 रुपए पे यहाँ पर ये शेयर को हमने बताया था। अगर आप आई बटन पे, वैसे वीडियो दे दूंगा फिर भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पर जुबिलेंट इंग्रीविया। तो हम अगर बात करें जुबिलेंट, देखिए 2 महीने पहले यहाँ पर वीडियो बनाया था, जब इसके लास्ट रिजल्ट आया था उससे पहले हमने वीडियो बनाया था और जुबिलेंट इंग्रीविया से रिलेटेड बातें करी थी। 400 रुपए का शेयर 698 रुपए पे चल रहा है। तो मैंने उस टाइम तो वहां पर स्विंग ट्रेडिंग करी थी, बट अभी मैंने इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना रखा है तब का। और यहाँ पर डीमर्ज हुई थी जुबिलेंट लाइफ साइंस यहाँ पर से, यहाँ पर जो जिसका अभी आईपीओ भी आता हुआ दिखाई दिया है, नहीं जुबिलेंट का नहीं आता हुआ सॉरी, बट यहाँ पर अगर बात करें ये डीमर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। और बात करें आरओसी आरओई दे नहीं रखा है, बट डेट की बात करें 24% की डेट है, कोई प्लेजिंग नहीं है। कंपनी पी रेशो बहुत ज्यादा है, मार्केट कैप स्मॉल कैप है, और स्मॉल कैप कंपनी इसी तरीके से भागती हुई नजर आती है। और जब तक कंपनी अच्छे रिजल्ट देती रहेगी तब तक कंपनी में बने रहिएगा। सेल्स की बात करें, सेल्स यहाँ पर लगभग डबल होती दिखाई दे रही है, नेट प्रॉफिट डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट तो 3 गुना दिखाई दे रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ईयरली बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर 1 ही साल का यहाँ पर डेटा है, और वो डेटा यहाँ पर फंटास्टिक डेटा है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट 54 करोड़ रुपए का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 117 करोड़ रुपए का, अच्छे खासे रिजल्ट। और यहाँ पर बात करें रिजर्व की, तो रिजर्व यहाँ पर 1,907 करोड़ रुपए के रिजर्व। बोरिंग की बात करें 466 करोड़ के यहाँ पर बोरिंग भी है। फिक्स एसेट 1,807 करोड़ की है, वर्किंग प्रोग्रेस में यहाँ पर 63 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपए की है, कैश इक्विवेलेंट की बात करें 117 करोड़ रुपए है। यहाँ पर जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है, हिस्ट्री है नहीं क्योंकि ये कंपनी अभी डीमर्ज होकर यहाँ पर आती हुई दिखाई दी थी। तो यहाँ पर अच्छे खासे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, यहाँ पर FIs के पास 18% की, DIs के पास 1.44% की, पब्लिक के पास यहाँ पर 28% की हिस्सेदारी नजर आ रही है। बट 28 में भी यहाँ पर बात करें राकेश झुनझुनवाला सर यहाँ पर कितने परसेंट की होल्डिंग रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं 4.72, 4.72 से ज्यादा रख रहे हैं आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर 3% की हिस्सेदारी ये है, 1% की हिस्सेदारी ये है, 4%, 5%, मतलब ज्यादा उससे भी ज्यादा यहाँ पर हिस्सेदारी रखते हुए नजर आते हैं, लगभग 6%, 6.5% की हिस्सेदारी उनकी नजर आती है। बाकी यहाँ पर और भी कंपनी ने यहाँ ले रखी है, तो अच्छी खासी होल्डिंग हर किसी के पास है, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर अगर इसके चार्ट पैटर्न की हम बात करें जुबिलेंट इंग्रीविया की,
तो यहाँ पर आपको पता चलेगा जुबिलेंट इंग्रीविया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेयर की तरफ नजरें बना के देखिए, तो यहाँ पर एक मुफ्त रैली डी मर्जर के बाद इस कंपनी ने दिखाई है। यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ ही जाया जा रहा है, यहाँ पर इसमें पूरा स्क्रीन पे भी नहीं आ पा रहा है, तो उस चीज से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर बात करें, हमने यहाँ पर 400 रुपए के आसपास यहाँ पर शेयर को लिया था, उसके बाद शेयर को हमने यहाँ पर आसपास बेच दिया था, फिर उसके बाद यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दिया, तो हमने दोबारा यहाँ पर उठाया और यहाँ पर शेयर अच्छे खासे रिटर्न हमें देता हुआ नजर आ रहा है। और हर एक जब भी रिजल्ट आ रहे हैं मैं उसमें एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। अभी भी जब इसके रिजल्ट आए थे तो यहाँ पर आसपास आए थे, तो यहाँ पर हमने ऐड किया था, उसके बाद दोबारा भागता हुआ दिखाई दिया, थोड़ा सा गिरावट हो रही है, तो शायद यहाँ पर अगर गिरावट होती है, यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे शेयर ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा अगर यहाँ पर शेयर गिरता है और आपको ये अगर 650 के आसपास मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी करके इसे अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए। अगले रिजल्ट से पहले ये शायद 800 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा एक और शेयर, लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर बात करें तो यहाँ पर एक और शेयर है, इससे रिलेटेड भी हमने बात करी थी, मैक्स हेल्थ केयर से रिलेटेड। 222 रुपए, 230 रुपए के आसपास ही हमने यहाँ पर वीडियो बनाई थी, मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ आपको, और तब आपको बताया भी था कि, और तब लोगों ने कहा था कि किस बेस पे यहाँ पर वीडियो बनाई है, तो बेस नहीं होता, बस सिंपल देखना पड़ता है कि कंपनी कर क्या रही है। तो यहाँ पर 2 महीने पहले यहाँ पर 222 रुपए पे शेयर था, आज यहाँ पर अगर बात करें 322 रुपए, 330 रुपए के आसपास शेयर है, 10% यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया। बेहतरीन रिजल्ट, इसके भी रिजल्ट आए थे तुरंत, मैंने यहाँ पर अपने जितने 2-3 पोर्टफोलियो है सब में ऐड करके यहाँ पर रखा था इस शेयर को। ROCE 4%। ओके, डेट की बात करें, 8% का डेट है। इसके अलावा हम बात करें कंपनी के, तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट हाइएस्ट एवर रिजल्ट, कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ते हुए, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट हाइएस्ट एवर बढ़ता हुआ। प्रॉफिट की बात करें, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ईयरली बेसिस पे, और हाईएस्ट एवर रिजल्ट, 38 करोड़ का घाटा 143 करोड़ के प्रॉफिट में तब्दील हो गया है। रिजर्व्स अच्छे खासे है, बोराइंग कंपनी ने धीरे धीरे कम कर दिया है। इसके अलावा कैश फ्लो यहाँ पर अच्छा खासा है, जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है। FII अच्छे खासे होल्डिंग रखते हैं, DIS रखते हैं, और यहाँ पर पब्लिक के पास ना के बराबर 7% की, एक के लगभग 7 भी नहीं, 6% की हिस्सेदारी रखते हैं। बस इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये सारे पैरामीटर बता रहे हैं कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। तो आपको अगर हम बात करें कब लेना चाहिए स्टॉक्स की, अगेन बात करें तो ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, RSI भी इसकी बहुत ज्यादा चल रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन में यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स है, तो यहाँ पर आई थिंक स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक 1-2 दिन में एक बड़ी गिरावट यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो इस टाइम आपके जितने भी स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक अपॉर्चुनिटी बनेगी आपको एक खरीदने की, तो 1-2 दिन में यहाँ पर गिरावट डेफिनेटली होगी, तो उसे थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और जब गिरावट होगी 1 दिन में या फिर जब भी गिरावट हो, तो उस केस में यहाँ पर इन शेयर को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइएगा, और ये 300 के आसपास आते हुए दिखाई देता है तो यहाँ पर दोबारा खरीदेगा, और मैं दोबारा यहाँ पर एंट्री और दोबारा शेयर यहाँ पर लेता हुआ दिखाई दूंगा। तो आपकी मर्जी है, बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। आपको दिग्गज स्टॉक से रिलेटेड हम यहाँ पर हमेशा बताते रहते हैं हमारी वीडियोज में। वीडियोज को शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, दूसरे लोगों को भी सिखाइए, आप बताइए उन्हें हमारे चैनल के बारे में, ताकि वो यहाँ पर ग्रो थ्रू करें, सीखे और सीख के यहाँ पर पैसा बनाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।